बढ़ते आगे, जहां केंद्रीय मंत्री सिंधिया का एमपी दौरा रहने वाला है। आज ग्वालियर दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री सिंधिया। सुबह संत रविदास मंदिर में दर्शन करेंगे और साथ ही मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की विकास यात्रा में शिरकत करते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया नजर आने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। तो आज केंद्रीय मंत्री सिंधिया का एमपी दौरा रहने वाला है। आज ग्वालियर दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री सिंधिया। सुबह संत रविदास मंदिर में दर्शन करेंगे सिंधिया और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की विकास यात्रा में शामिल होंगे और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए सिंधिया नजर आने वाले हैं। तो आज सभी दिग्गज एमपी में नजर आएंगे। अलग अलग जिलों में सबका दौरा रहने वाला है। साथ ही विकास की जो बौछार है वो सीएम की ओर से की जानी है। देखिए दो तस्वीरें, सीएम शिवराज सिंह चौहान का ग्वालियर दौरा, साथ ही केंद्रीय मंत्री सिंधिया का भी ग्वालियर दौरा रहने वाला है। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं, जिसके चलते बीजेपी पूरी तरह से ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री सिंधिया का आज ग्वालियर दौरा रहने वाला है। मेरी सहयोगी मितांशी जोशी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मितांशी, सभी दिग्गज जो हैं बीजेपी के वो लगातार दौरे पर नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का भिंड दौरा है, तो वहीं आज केंद्रीय मंत्री सिंधिया का ग्वालियर दौरा रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, ग्वालियर चंबल संभाग की अगर हम बात करें पॉलिटिकल पर्पस से, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह है पूरे बीजेपी के लिए। जिस तरीके से ग्वालियर नगर निगम की सीट अभी बीजेपी से छिनी है नगरीय निकाय चुनाव के दौरान, उसके बाद बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग के विधायकी क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें तय करते हैं चुनाव के लिहाज से। और आज यहाँ पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़ी सौगात देने वाले हैं ग्वालियर चंबल के हितग्राहियों को, और खुद मुख्यमंत्री के साथ यहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत तमाम बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो शामिल होने वाले हैं। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण देखा जा रहा है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री शिवराज और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया स्टेज पर पहुंचेंगे, तो जाहिर सी बात है उनका जो दम इस जोड़ी का दिखाई देने वाला है, कहीं ना कहीं वो ग्वालियर चंबल संभाग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है चुनाव के लिहाज से। मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, सिंधिया पहुंचेंगे, दोनों साथ में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। तो हमें ये देखना होगा फिलहाल कि जिस तरीके से बीजेपी खुद को ग्वालियर चंबल संभाग में मजबूत करती हुई नजर आ रही है, उसमें मुख्यमंत्री तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर लगातार अपने संभाग में खुद को मजबूती के साथ जो है लोगों को जोड़ने में जुटे हुए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर का भी लगातार हम दौरा देखने को मिलता है। ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी खुद को अब बिल्कुल मजबूत करके रखना चाहती है, और कांग्रेस को फिलहाल बीजेपी कोई भी मौका नहीं देना चाहती है कि उन्हें कोई मौका मिले और एक भी सीट बीजेपी के हाथ से यहाँ पर जाए, क्योंकि ये ऐसे संभाग है जहाँ पर पिछली बार बीजेपी ने जीत हासिल की थी। तो इस बार भी बीजेपी चाहेगी कि 2018 में जो सीट्स रिपीट हुई हैं वो दोबारा से 2023 में बीजेपी के हाथ में ही आए, और मुख्यमंत्री से लेकर जिसके चलते कड़ी मेहनत करती हुई बीजेपी अब नजर आ रही है। मितांशी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर अपडेट ली जाएगी।